जब स्कूलों में शिक्षक ही नहीं होंगे तो फिर बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, और जब बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम कैसे मजबूत और शिक्षित भारत की तस्वीर देख सकते हैं। जब तक देश की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी तब तक मजबूत भारत का निर्माण नहीं हो सकेगा। शिक्षा व्यवस्था की बदहाली से जुड़ा ये मामला राजनांदगांव का है, जहां छुरिया ब्लॉक के स्कूलों में शिक्षक न होने की वजह से बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और इसी वजह से उन्होंने स्कूलों में आना भी कम कर दिया है। शिक्षकों की कमी दूर करने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता पूनाराम सिन्हा लगातार बीईओ कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूनाराम सिन्हा ने बताया कि छुरिया ब्लॉक की प्राथमिक, मिडिल और हाई एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। ब्लॉक की 90 प्राथमिक शाला में एक ही शिक्षक है। तुरैगढ़ प्राथमिक शाला कक्षा 1 से 5वीं तक 55 बच्चे अध्ययनरत हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक ही प्रधान पाठक पदस्थ हैं, जिन्हें विभागीय कार्यों के अलावा बच्चों को संभालना पड़ता है। ऐसे में पढ़ाने के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा है। हमारी मांग है कि शासन शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करे, अन्यथा आने वाले समय में उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम जो है 18 जुलाई को एक मांग रखे थे शिक्षा ऑफिसर, ब्लॉक ऑफिसर छुरिया को, कि छुरिया ब्लॉक में जितने भी प्राथमिक शाला, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलें हैं, वहाँ पर जो रिक्त पड़े पद हैं, जो शिक्षकों की पूर्ति नहीं है, वहाँ पे पूर्ति किया जाए। एक ही मांग लेकर के हम यहाँ पे 31 जुलाई तक के अल्टीमेटम इनको दिए थे। 31 जुलाई तक के इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया, तो हम 1 अगस्त से विवश हो गए और बीओ ऑफिस छुरिया के सामने में अनिश्चितकालीन धरना करने के लिए यहाँ पे पूरे कार्यकर्ता, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और छुरिया ब्लॉक के उन स्कूलों के जहाँ पे पर्याप्त शिक्षक नहीं थे उनके पालकों के द्वारा यहाँ पे अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा था, जो कि 1 अगस्त से चालू हुआ था। 1 अगस्त के शाम को 6 बजे बीओ छुरिया के द्वारा हमें एक पत्र लाकर दिखाया गया कि हमने प्राथमिक शाला और मिडिल स्कूलों में जहाँ जहाँ पे रिक्त पड़े थे वहाँ पे हमने अस्थायी रूप से शिक्षकों की भर्ती पूर्ति कर दी है। तो हम बोल रहे हैं कि सर, जब आपने प्राथमिक और मिडिल का कर दिया है तो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी का भी जो कमियाँ हैं उसको पूर्ति किए करें। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे बस की बात नहीं, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसका अधिकार जो है डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर राजनांदगांव को है। तो मैं बोला, हमने बोला कि भाई आप डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को आप इस बारे में बताइए कि हायर सेकेंडरी हाई स्कूलों में भी रिक्त पड़े हैं। तो उन्होंने फिर उनसे बात करी तो बोले कि हम ये नहीं कर सकते अभी। तो हम लोग लगातार यहाँ पे आंदोलन करते रहे, रात में भी यही बरसते पानी पर सोए रहे, यही खाना खाए, यही सोए बैठे रहे, मच्छर काटता रहे, लेकिन हम लोग अपना धैर्य नहीं खोया और लगातार 1 अगस्त से जो आज जारी आंदोलन था कल तक के शाम तक के, यहाँ हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि 4 अगस्त को हम जो है खुज्जी विधानसभा के गुंगी और बहरी विधायिका श्रीमती छन्नी चंदू साहू को नींद से जगाएंगे, जो कि कुमकर्णी नींद में 2018 से सोई हुई है। क्षेत्र के उन समस्याओं को नज़रअंदाज करते हुए तो उनको जगाने के लिए हमने भी उनके कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया और ये अल्टीमेटम हमने SDM डोंगरगांव और छुरिया थाना और बीओ को हमने वो ज्ञापन दे दिया कि हम 4 अगस्त को ऐसा घेराव करेंगे। तो इनके द्वारा हमें मनाया गया, लेकिन हम नहीं माने कि अब जब तक हमें आज्ञा आदेश की कॉपी नहीं दी जाएगी हम ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। चूँकि हम लोग घेराव करने के लिए यहाँ से निकल चुके थे, आधे रास्ते में हमें चिचोला के हायर सेकेंडरी स्कूलों में 4 शिक्षकों की जो मेन कमी थी, वैसे छुरिया ब्लॉक के सभी हायर सेकेंडरी हाई स्कूलों में बहुत स्कूलों में शिक्षकों की अभी भी कमी पड़ी हुई है, 4 चिचोला हायर सेकेंडरी स्कूलों की कमी को उन्होंने पूर्ति किया और 5 टीचरों की नियुक्ति का हमें आदेश की कॉपी दिया। तो हमने घेराव के कार्यक्रम को स्थगित किया है और छुरिया ब्लॉक के विभिन्न हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो शिक्षकों की कमी है उसके लिए इन्होंने 15 अगस्त तक का समय मांगा है। 15 अगस्त तक के अगर इन स्कूलों में पूर्ति नहीं करी जाती है तो आने वाले समय में आम आदमी पार्टी और साथ में पूरे पालकों का समर्थन लेते हुए फिर से अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों की शिक्षा का मांग था, शिक्षा के विषय पर हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता एवं कट्टर कार्यकर्ता श्री पूनम सिन्हा जी ने 18 जुलाई को ज्ञापन दिए पार्टी की ओर से कि शिक्षकों की बहाली हो, परंतु वो नहीं हो पाया। उसके बाद में वह 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त, 4 अगस्त तक कंटिन्यू हड़ताल पर बैठे और आज हमारी ऐतिहासिक जीत हुई है कि हम जहाँ पर चिचोला स्कूल पर हम जिन विषयों को लेकर हम 4 शिक्षकों के हम मांग करे थे वो हमको तत्काल हमको इसका उत्तर मिला कि हमको 5 शिक्षक वहाँ पर मिले।
जब एक सोचने वाली बात है कि जब हम विधायक निवास का हम घेराव करते हैं, विधायक कार्यालय का घेराव करते हैं, तो हमको उत्तर कहाँ से आ जाता है, और जब यूं ही हड़ताल पर बैठते हैं तो हमको उत्तरें नहीं मिलती। साफ सफाई से यही सिद्ध होता है कि जब विधायकों को, नेताओं को अपनी कुर्सी की चिंता होती है, तब वह शिक्षा के लिए वह शिक्षकों की पूर्ति करते हैं, रोजगारों के लिए रोजगार निकालते हैं, और जितनी भी घोषणाएं हो रही हैं मुख्यमंत्री द्वारा, वे सब के सब चुनावी हंट हैं। आने वाले समय में जिस तरीके से पहले भूपेश सरकार ने अपने घोषणा के वादों को नहीं पूरा किया, वैसे भी ये आने वाले समय में भी पूरा नहीं करेगी। परंतु हम आम आदमी पार्टी, ना तो हम झूठ बोलते हैं, हम गारंटी देते हैं। प्रत्येक हमारे गारंटी पत्र हम आने वाले समय में हम बांटेंगे कि जो जो गारंटी हम लोगों को देंगे वो गारंटी पत्र बांटा जाएगा, और साथ में हम उसको पूरा भी करेंगे। आज देख रहे हैं पूरे प्रदेश में शिक्षकों की भारी कमी है। सूर्या विधानसभा में इस कमी को लेकर हमारे साथी पूर्णानंद सिन्हा जी ने जब जनता के बीच में गए तो उनको लोगों ने बताया कि भाई यहाँ पर भारी शिक्षकों की कमी है, जिसके लिए उन्होंने बीओ सर के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री और प्रदेश के मुखिया के नाम से उन्होंने एक पत्र लिखा कि इनको पूरा किया जाए। 31 जुलाई तक का समय दिया गया, लेकिन इनके कान में जूं तक नहीं रहेंगी। उसके बाद धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ा। इनको सिर्फ और सिर्फ धरना प्रदर्शन की भाषा समझ में आती है। इनको आप पत्र लिखते रहेंगे, पत्र गोल गोल घूमते रहते हैं, इनको समझ में नहीं आता। इनको जब हमने इसके पहले छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री का घेराव किया तो इन्होंने शिक्षा मंत्री को बदल दिया। सिर्फ बदलने का काम करते हैं, लेकिन शिक्षा व्यवस्था आज भी वैसी की वैसी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली में शिक्षा एक क्रांति लाई है और शिक्षा को पूरा बदल के दिखाया। आज वहाँ एक अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, एक उद्योगपति का बच्चा, एक बड़े अधिकारी कलेक्टर का बच्चा भी एक ही छत के नीचे बेहतरीन शिक्षा ले रहे हैं। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी छत्तीसगढ़ में बच्चे टाट पट्टी में बैठने को मजबूर हैं। यहाँ की व्यवस्था को सुधार के लिए हमारे साथी पूर्णानंद सिन्हा जी ने मांग किया कि पहले शिक्षकों की पूर्ति करें, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं। आज देखते हैं आप, इनके पास ड्रेस खरीदने के लिए पैसा है, इनके पास जूता चप्पल कपड़े सब खरीदने के लिए पैसा है, इनके पास हर साल किताबें बांट के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज कापियाँ बांट रहे हैं, कापियाँ अभी तक स्कूलों में नहीं पहुँची है। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए कापियाँ खरीदी गई हैं और उसको डंप करके रखा गया है। आज बच्चे दो दो महीने से क्या कर रहे होंगे, उन्होंने तो कापियाँ खरीद ली, अब क्या करोगे उसको, आप बांट के सिर्फ और सिर्फ वाहवाही लूटेंगे। तो इनकी नीयत सही नहीं है। अगर नीयत सही होती तो ये लोग दिखाते कि हमने अच्छे स्कूल में, सिर्फ और सिर्फ एक आत्मानंद स्कूल एक विधानसभा में बना दिया है दिखावे के लिए कि हम भी अच्छे स्कूल में। आज गाँव के बच्चों के लिए आपने क्या किया, प्रत्येक क्षेत्र में अगर आप नीयत साफ होती तो हर गांव के स्कूल अच्छे बनाते। आप सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ग्रामीण जनता के साथ आप मजाक कर रहे हैं। आज आम आदमी परेशान है, चाहे वो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क सभी से परेशान है, जिसके लिए आम आदमी पार्टी लगातार कार्य करेगी और क्षेत्र की जनता के मुद्दे को लड़ती है। वही शिक्षकों की कमी को लेकर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि जिन भी स्कूलों में शिक्षकों की कमी होती है वहां पर तुरंत दूसरे शिक्षक को भेजा जाता है। यदि कोई शिक्षक रिटायर्ड होता है तो किसी नए शिक्षक की नियुक्ति तुरंत की जाती है। आम आदमी पार्टी की जो प्रमुख मांग है, छुरिया विकास खंड के अंतर्गत संचालित जो शाला है वहाँ पे शिक्षक की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारे द्वारा जैसे कि प्रतिवर्ष के माध्यम से जहाँ जहाँ शिक्षक की कमी होती है अध्यापन व्यवस्था हेतु हमारे द्वारा आदेशित किया जाता है। इसी तारतम्य इस वर्ष भी हमने जहाँ जिन जिन शालाओं में शिक्षकों की कमी थी वहाँ पे हम शिक्षक की व्यवस्था कर दी है। तत्पश्चात भी कहीं कहीं जब कोई शिक्षक यदि रिटायर होता है तो तत्कालिक व्यवस्था के तहत हम शिक्षण की व्यवस्था कर देते हैं, और अभी छुरिया विकास खंड अंतर्गत लगभग सभी शालाओं में शिक्षक की व्यवस्था कर दी गई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।